जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 99% चांस बनता है कि वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 2 मार्क्स में। वो है विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं और क्या संभवी सतह एक दूसरे को काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो विद्युत क्षेत्र रेखा लेते हैं, ये देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हम ये भली भांति जानते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा काटता तो उसी से किसी भी पॉइंट से जो स्पर्श रेखा के रूप में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात होता है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस दिशा में जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में जा रहा है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में जा रहा है। तो इस पॉइंट पर इस रेखा के लिए देखा जाए तो इस पर जो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र का मान बनेगा, तो ये देखिए एक मान इधर से बना स्पर्श रेखा और यहाँ पर जो फिर जो इधर, तो यहाँ पर जो देखिए दो स्पर्श रेखाएं बनी जा रही है, एक इसके लिए और एक इस रेखा के लिए। यहाँ पर एक ही समय पर जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो है दो स्पर्श रेखा के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। इसका मतलब है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान है, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान है जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अलग अलग मान संभव नहीं है, इसलिए जो है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। उसी प्रकार दो संभवी सतह को अगर लेंगे तो वो मान लीजिए यहाँ पर अगर काट रहा है तो यहाँ पर भी जो है दो स्पर्श रेखाएं बनेंगे, एक जो है इसके लिए और एक जो है इसके लिए, तो दो स्पर्श रेखाएं बनेंगे। तो इसका अर्थ है कि जो है स्पर्श एक ही बिंदु से जो है विभव का मान दो मान आ रहा है या विभव का दो अलग अलग मान आ रहा है। तो एक ही बिंदु पर विभव के दो मान संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर विभव के दो मान संभव नहीं, इसलिए जो दो संभवी सतह भी जो एक दूसरे को नहीं काट सकते।